सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है हॉनर का, और इसका जो मॉडल है यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका मॉडल दिख रहा होगा LNDAL30, यानी कि ये जो है हॉनर का 7C मॉडल है, और इसके अंदर अभी लग गया है FRP लॉक। यहाँ पे देखेंगे तो कोई नेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपका जो ये फोन है, कोई सा भी फोन है, अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट किए बिना नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो समझ लीजिए उसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसको मैं पूरी तरह से FRP नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसका जो टच है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से चला जा रहा है। तो हम अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसका डायरेक्ट FRP बाईपास करके दिखाते हैं। चूंकि ये हॉनर का 7C मॉडल है, इसके अंदर जो चिपसेट लगा है वो लगा है क्वालकॉम का। तो हम अपना किसी फायर ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम चले जाते हैं रीड इन टूल पे, और यहाँ पे हम इसका मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने Huawei सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम इसका मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं Honor 7C। यहाँ पे आप देखेंगे तो AL30 यहाँ पे कई सारे मॉडल दिख रहे हैं, तो इसमें ये है मॉडल AL30, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे सिर्फ FRP हटाना है, तो हम सिर्फ FRP पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने फोन को हम कर लेते हैं पावर ऑफ। ये फोन पावर ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत है इसमें। तो अभी हमको इसका बैटरी कनेक्टर जो है उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर निकाल दिया, फोन बंद हो गया। अब एक बार फिर से लगा लेंगे, और इसका आइडियल पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम इसका आइडियल पॉइंट आपको दिखा देते हैं। ये दो दो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आइडियल पॉइंट है इसके। ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आइडियल पॉइंट है। तो चलिए इसी को शॉर्ट करके हम इसको अनलॉक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो फोन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, कहीं भी कोई एरर नहीं आया। अब आगे देखते हैं कि क्या फोन का FRP बाईपास होता है। तो फाइनली FRP बाईपास हो भी गया है, तो अब हमें केबल निकाल लेना है और नॉर्मली अपने फोन को, अपने आप ही ये फोन चालू भी हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसका FRP बाईपास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फोन है ये अभी अनलॉक हो चुका है, और यहाँ पे कुछ इसका टच वर्किंग नहीं होने की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया, लेकिन यहाँ पे इसका FRP बाईपास हो चुका है, और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, किसी भी फोन में जब भी ये फोन नया अपडेट होता है Gmail ID के पास से तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट करेंगे, इसके बाद देखते हैं आगे। तो
फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोन है पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है और इसका हमने FRP बाईपास कर दिया है। अभी यहाँ पे ना तो कोई पासवर्ड है और ना कोई FRP है और ये फोन नॉर्मली ऑन हो चुका है। इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी ये फोन अनलॉक हो चुका है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए।